अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ सिमिशा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमए पॉलिटिकल साइंस विद सिमिशा। जैसे कि ये सीरीज़ मैं बना रही हूँ हर्फ आगाज़ और हासिल कलाम के हवाले से, और इसमें मैं अफलातून की सारी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, अरस्तो की भी अपलोड कर चुकी हूँ। अब आगे है बारी जैनबुद्दीन की। जैनबुद्दीन में नज़रिया इक्तदार आला उसने पेश किया है, सिर्फ मैंने एक ही किया था नज़रिया इक्तदार आला। इसके हवाले से जो इसका हर्फ आगाज़ लिखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका हर्फ आगाज़ आप लोग देख लें। सवाल का शुरू करते हुए हर्फ आगाज़ लिखते हैं, जैनबुद्दीन का शुमार 16वीं सदी के मुमताज़ तरीन सियासी मुफक्करीन में किया जाता है। रिपब्लिक का उसकी अजीम शाहकार तसनीफ है, जिसमें उसने इक्तदार आला पर तफसील से रोशनी डाली, इसलिए रिपब्लिक का को इक्तदार आला पर पहली जामे किताब समझा जाता है। ये जैनबुद्दीन का मैंने आगाज़ बता दिया है और जैनबुद्दीन का इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, ठीक है। अब इसका हासिल कलाम पर आ जाते हैं मुख्तसरन। जैनबुद्दीन 16वीं सदी का वो अजीम तरीन मुफक्किर था जिसने रिपब्लिका लिखी, जो कि इक्तदार आला पर जामे किताब है। इसमें उसने इक्तदार आला के खसूसियात, इख्तियारात और पाबंदियों को तफसील से बयान किया। ये इसके इख्तिताम हो गया, सवाल के एंड पर ये लिखते हैं, ठीक है। ये इसी तरह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी हीगल के हवाले से। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।